आदाब, स्वयं प्रभा के लाइव प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के बारे में। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद मुअज़्ज़मुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस में उर्दू के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। सर, जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उर्दू गज़ल, इससे हम क्या समझते हैं और इसके जो मौजूआत हैं वो क्या है? उर्दू गज़ल के बारे में जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखें कि ये उर्दू अदब खातौर से शेरी असनाफ की बहुत अहम सिनफ है। जो उर्दू गज़ल को समझने के लिए हमें दो तरीके से गौर करना होगा, एक तो इसके फार्मेट पे, यानी हम कैसे उर्दू गज़ल कहते हैं या कही जाती है, और दूसरे इसके मौजूआत पे। तो ये कैसे और क्या जो है उसकी शक्ल को तयन करता है और क्या जो है उसके मौजूआत का तयन करता है। जब हम इसके हैसियत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मतलब है। मतलब उस गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, यानी गज़ल जहाँ से शुरू होती है। मतलब का मतलब है तलू होने की जगह या शुरू होने की जगह। तो गज़ल जहाँ से शुरू होती है उसको हम मतलब कहते हैं। मतलब के इसमें यह है कि इसमें रदीफ और काफिया होते हैं। काफी बगैर इसके समझे जो है मगर आगे बढ़ें तो मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा सबसे पहले जो है हम मतलब को समझें और इब्न तो और मक्ता को समझें, उसके रदीफ को समझें, काफिया को समझें। जो है तो मतलब में होता है कि इसके दोनों दो मिसरे होते हैं, एक शेर के दो मिसरे होते हैं जिसको पहला मिसरा दूसरा मिसरा कहते हैं, या मिसरे उला और मिसरे सानी भी कह सकते हैं। जो है तो इसके दोनों मिसरों में, पहला मतलब में दोनों मिसरों में काफिया होना चाहिए और रदीफ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बगैर इसके जो है मतलब मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी तरह बाद के जो अशार होते हैं उनमें सिर्फ जो है दूसरे मिसरे में जो है रदीफ आती है, मतला आता है, वो काफिया आता है। जो है तो इस तरह हम बात, जैसे अगर हमें मिसाल है तो गज़ल का पहला शेर मतला होता है, यानी हम काफिया, यानी काफिया उस लफ्ज़ को कहते हैं जो लघवी माने इसका ये कि पीछे चलने वाला या पैदर पे आने वाला, बार बार आने वाला। जो है यानी एक ही गज़ल में अगर कोई लफ्ज़ इस तरह के हम आहंग आवाज़ अल्फाज बार बार आ रहे हैं तो वो काफिया कहलाते हैं। काफिया जैसे हम अब मिसाल लें तो गुल और दिल, ये दोनों हम वज़न हैं, लेकिन जो है गुल और दिल का काफिया नहीं हो सकता, इसलिए कि जो है इसमें हम आवाज़ नहीं है, यकसा नहीं है। तो इस वजह से अगर हम यहाँ गज़ल में, जैसे आप देखिए गज़ल के गालिब की गज़ल है, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, इस मिसरे में तो आप देखिए कि पहले जो दो मिसरे, पहले मिसरे में लफ्ज़ दवा आया है और फिर दूसरे मिसरे में लफ्ज़ बुरा आया है, तो ये काफिया हो गए। इसी तरह दोनों मिसरों में ना हुआ, ना हुआ ये रदीफ है। तो मतलब के लिए यह हम आहंग होना ज़रूरी है, हम वज़न होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह रदीफ को हम ले, रदीफ का मतलब होता है एक तो इसके लघवी मानी यानी लिंकड मीनिंग हम लेते हैं, तो घोड़े ऊँट या सवारी पर, किसी सवारी पर सवार के पीछे बैठने वाले शख्स को रदीफ कहते हैं। लेकिन हम जब उरूज की इस्तेलाम बात करते हैं, गज़ल की इस्तेलाम बात करते हैं, तो रदीफ उस लफ्ज़ को कहते हैं जो काफिये के बाद आती है। पहले गज़ल के पहले शेर में यानी मतले में दोनों मिसरों में रदीफ होती है, लेकिन बाद के जो अशार होते हैं यानी उसके सिर्फ दूसरे मिसरे में ही रदीफ आएगी और काफिया आएगा। जो है जैसे आप भी गालिब की गज़ल देखिए सामने है, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गीला ना हुआ। अब देखिए पहले मैं शेर में आप दवा बुरा उसी रियायत से फिर दूसरे शेर में आया है, दूसरे शेर के आखिरी मिसरे में यानी दूसरे मिसरे में गीला आया है। तो ये दवा बुरा गिला ये आपस में काफिया हो गए और ना हुआ ये रदीफ हो गई। रदीफ एक लफ्ज़ की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, और दूसरे कभी कभी पूरा एक जुमला हो सकता है या कई एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे मोमिन की एक बहुत मशहूर गज़ल है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये हर शेर में इसकी तकरार हो रही, तो ये रदीफ जो है लंबी है, तुम्हें याद हो ना याद हो, इस तरह से ये तो काफिये की बात होगी, मतलब की बात होगी, रदीफ की बात होगी। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मक्ता का मतलब ये है कि जिसमें शायर अपना शायराना नाम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसे और कता का एक मतलब ये होता है ख़त्म करना, काट देना। जो है यानी अब यहाँ पर गज़ल ख़त्म हो रही है। अब आप देखिए कि जिसका मक्ता देखिए जो है, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल
सरा न हुआ। जी तो यहाँ पर गालिब जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान नाम था, लेकिन तखल्लुस वो गालिब करते थे जो है। तो इस तरह से ये मक्ता जो हो गया। तो मक्ते में आमतौर पे शायराना नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि बगैर मक्ते के भी गज़ल कही जाने लगी है तो लोग उसको भी मान लेते हैं। कोई वैसी लाजमी शर्त जरूरी नहीं, नहीं है लाजमी अच्छा। शर्त नहीं है हाँ जो है, हाँ। लेकिन हो तो बहुत अच्छा है। अब तक जो रवायत रही है वो यही है, लेकिन कभी कभी बगैर मक्ते भी जो शायर मशहूर हो जाते हैं उनके कलाम से ही लोग समझ लेते हैं कि इनका कलाम या उनका रंग अपना है, उससे समझ जाते हैं कि ये उनका अपना कलाम होगा जो है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अशार की तादाद, अशार की तादाद का तायुन इसमें नहीं है, यानी गज़ल एक गज़ल में कितने शेर होने चाहिए इसका कोई, कम से कम 5 अशार माने गए हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 17 अशार की भी गज़ल कही जाती है, अगर लोगों ने कही है तो 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। आमतौर पर जो है गज़ल के अशार की तादाद जो है वो ताक रखी गई है, ताक का मतलब जो है और यानी वो दो ना हो कहीं अलग होता है अच्छा, वो जो है, जिसको हम लोग तो ऑड आर्ट कहते हैं, कहते ऑड हैं। जी हाँ नंबरिंग आर्ट कहते कहते हैं। हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि शायर जब अपने महबूब से बात करता है तो महबूब किसी का भी हो वह एक ही हो सकता है, जिससे वो मोहब्बत करता है जिसको चाहता है तो वह एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आमतौर पर इसकी रियायत से जो है वो ताक उसमें शेर होते हैं, 5, 7, 11, 15, 17, 17, 17। अच्छा इसमें यह भी होता है कि इसमें जब काफिया और अदब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत उस्ताद शायर गुजरे हैं तो वो 17, 17 साल की एक ही गज़ल को कई की कम 17 साल के अशार की कहें गज़ल, फिर उसके बाद 17 अशार की और के, फिर 17 अशार की और, इस तरह से जो है वो गज़ल अशार कहते जाते हैं, गज़ल मुकम्मल करते जाते हैं एक ही रदीफ़ और काफ़िए में। तो ऐसी गज़लों को हम गज़लें मुसलसल, वो एक गज़ला दो गज़ला से गज़ल, यानी 17 अशार की अगर एक गज़ल हो गई तो एक गज़ला उसी में अगर फिर उसी 17 अशार कह दिया तो वो गज़ल दो गज़ला भी कहते हैं, फिर सह गज़ला, यानी ऐसी गज़ल जिसमें इतने अशार होने हैं। इसी तरह एक और आता है गज़ल मुसलसल या मुसलसल गज़ल, यह चूँकि हम जानते हैं कि गज़ल में का हर शेर के इकाई होता है, आज़ाद होता है, किसी दूसरे शेर से उसका की मुनासिबत नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है देखा गया है कि कोई शायर एक ही मौजू पर मुसलसल गज़ल कह रहा है, यानी उसमें जो ख्यालात होते हैं, जो मजामीन होते हैं, एक ही नौजत के होते हैं, तो ऐसी गज़ल को हम गज़ल मुसलसल या मुसलसल गज़ल कहते हैं। तो इसमें चूँकि इसमें एक चीज़ और आती है ज़मीन, यानी किस ज़मीन में गज़ल कही गई है, ज़मीन का तायुन उसके रदीफ़ से भी होता है, काफ़िए से होता है, बहर से भी होता है। तो इस तरह जो है उसमें एक ही ज़मीन में कई कई गज़लें कही जाती हैं और शायर इस तरह से जो है उसको आसानी से निभाते हैं। इसके बाद हम आते हैं गज़ल के मौजूआत पे जो है, अभी हम तो हम गज़ल की हैसियत से बात कर रहे थे जो है कि इसमें मतला क्या है, मक्ता क्या है। अच्छा कभी ये भी एक बात और भी है कि मतले के हवाले से, अगर कभी कभी मतला के बाद एक और मतला भी होता है फ़ौरन जो, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं या ज़ेब मतला भी कह सकते हैं, मतले सानी भी उसे कहते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि दो दो तीन तीन मतले देखे गए हैं गज़ल में, अगर दूसरा मतला तो उसे मतले सानी कहेंगे, तीसरा मतला तो उसे मतले सालिस कहते हैं, लेकिन आमतौर पर जो रवायत रही है सिर्फ़ एक ही मतला होता है। अगर यह शायर की अपनी ज़हानत है, उसके पास ख्याल है, उसके पास इजहार का तरीका आता है, तो वो उससे भी ज़्यादा जो है उसको कोई पाबंदी नहीं है कि ना कहे, तो उस पर ज़्यादा भी वो अपनी बात को कह सकता है। अब हम आते हैं गज़ल के मौजूआत पर। जाहिर बात है गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है और इसके शेर को समझने के लिए दूसरे शेर की मदद नहीं लेनी पड़ती जो है, यानी वो अपने आप में मुकम्मल होता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि गज़ल को दूसरे शेर के आपस में कताबंद कहलाते हैं, कि एक शेर को समझने के लिए दूसरे शेर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे अशार आपस में कताबंद कहलाते हैं जो है। गज़ल के मौजू पे जब हम बात करें तो इसके अगर लोगवी माने पे हम बात करें तो इसका मतलब भी इसे फारसी में इसे कहते हैं सुखन बाज़नान गुफ्तन, यानी औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, क्योंकि इसमें इसको मोहब्बत हुस्न खूबसूरती की बात की जाती है, तो आमतौर पर शायर जो है शुरू शुरू में यही मौजू रहा। और इससे सिलसिले में एक बात और गौर करने की ज़रूरत है कि गज़ल का जो हमारा तस्वुर है ये कदीम अरबी शायरी से है, कदीम अरबी शायरी से ये तस्वुर आया फ़ारसी में, फ़ारसी से उर्दू में आया। अरबी शायरी में कसीदा जो कहे जाते हैं तो उसमें तशबीब के तौर पे जो शुरू के जो अशार होते थे
उसमें लोग किसी बाहर के मौजू पे लिख रहे हैं, किसी मंजर का बयान कर रहे हैं, किसी के इश्क आशिकी की बात कर रहे हैं, तो वो इतने दिलचस्प होते थे कि उसमें उसके बाद शायद गुरेज पे आता था, मदा पे आता था, वो अलग। लेकिन वो चूंकि कसीदे के वो मौजूद इतने दिलचस्प होते थे कि वो धीरे धीरे फारसी में पहुँचे, फारसी से पहुँच के जब उर्दू में आए तो फारसी में ही बल्कि इसकी एक अलग रिवायत पड़ गई। उस तशबीब के अशार को अलग से कहा जाने लगा, जो है उसमें हर तरह के मजामी शायर कलमबंद करने लगा। यानी कि जब अरबी में गजल पढ़ी जाती थी तो वो अलग होती थी, फारसी में आने के बाद उसमें बदलाव आ गया। नहीं, फारसी में बदलाव आया, जो तशबीब का हिस्सा था कसीदे के, मतलब चार अज्जा होते हैं, तो पहला जो तशबीब कहलाता था वो तशबीब को फारसी में उससे जब वहाँ मकबूलियत उसको इस हिस्से को हासिल होती गई तो उस हिस्से से अलग करके देखा गया उसको। क्यों ना हम इसमें अपने ख्याल का और इजहार करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इर्द गिर्द हैं, हमारे अपने जज्बात हैं, दाखिलियत है, एहसास हैं, ख्याल हैं, तो उनको हम अलग अलग नौीयत से बयान कर सकते हैं। तो उसको इतनी मकबूलियत हुई कि तो वो कसीदे से अलग होकर वो हिस्सा मकबूल होने लगा। तो ये फारसी में शोहरत हासिल कर, जब उर्दू में गजल है तकरीबन 11वीं सदी में, तो वहाँ भी ये रिवाज हो गया कि इसको अलग से जो है गजल के तौर पे कहा जाने लगा, वरना दरअसल जो है कसीदे का ये हिस्सा होता था पहले। तो उसके मौजूदात की कोई कैद नहीं थी पहले, जब जैसा कि हमने बताया कि लोगों ने यह समझ लिया था कि औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब इसके ख्यालात में बड़ी वसअत आ गई है और इसमें हर तरह के मजामीन कलमबंद किए जा सकते हैं, चाहे वो इश्क आशिकी का मौजू हो, ज़माने की तबाही का मौजू हो, लोगों के तजुर्बात का मौजू हो, या किसी और भी इस तरह ख्याल हो अगर जो पॉलिटिक्स उसमें। वगैरह की हाँ, बात वो करें तो सारी उसको भी सारी इंक्लूड चीज़ें कर हमारे सकते पास, हैं। देखिए अशार हैं, अभी हम आपको उसमें पढ़ के सुनाएंगे, जी तो आप कोई ऐसा जो उसमें कैद नहीं है, बल्कि ये शायर चूंकि उसको अपनी बात दो लफ्ज़ दो मिसरों में कहनी होती है, दो शहर में कहनी होती है, तो वो किसी भी तरह के मौजू को मुख्तसर तौर पर वो कह सकता जो है। तो आज जो है गज़ल तमाम तरह के मौजूदात का, इसमें इसको मोहब्बत भी है, अखलाक है, तसव्वुफ है, मारफत है, मज़हब है, सियासत है, इसमें बेवफाई भी है, महरूबी भी है। गरज की है कि ज़िंदगी कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको गज़ल में न समोया जा तो क्या सके ये जो है। उर्दू में आने के बाद ये सारे इसमें इंक्लूड हाँ, हो गए? इसमें तो मतलब पहले फारसी में भी था ऐसा, लगे नहीं सिर्फ, लेकिन उर्दू में जब जैसे जैसे शायरों की तादाद बढ़ती गई, उसका ख्याल के इजहार का तरीका बढ़ता है, मौजूदात भी आते गए उतने जो है, और जिस तरह से तहरीकात भी आती गई उसके हिसाब से भी इसमें जो है कई एक तहरीक चली हमारे यहाँ, तो तहरीकात के साथ साथ भी ये जो है गज़ल भी मुतासर, सभी असना मुतासर होती थी, तो गज़ल भी उससे मुतासर हुई और उसने उसमें एक रंग कबूल किया जो है। तो आज जो है कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसमें गज़ल के अंदर उसको न लिया जा सके, सारे मौजूद का अहाता करती है। अगर हम शुरू से बात करें तो हमारे सबसे पहले अमीर खुसरो से शुरू होती है बिल्कुल। जो है। अब उनका वो है ज़िहाल मिस्किन वकुन तगाफ़ुल, ये तो सुना होगा, तो जाहिर जी सी बात है कुछ ज़माने में शुरू शुरू चूँकि अपनी उर्दू इब्तदा की, उर्दू की इब्तदा दिन, तो एक मिसरा फ़ारसी का होता था, एक मिसरा उर्दू का होता था, बाद में लोगों ने फिर उसकी तरफ आया तो उर्दू में कहने लगे जो है। इसी तरह कुली कुतुब शाह को लीजिए, तो वो पहले साहिब दीवान शायर हैं, तो उन्होंने भी वहाँ दक्कनी असरात तो हैं, लेकिन उन्होंने दक्कन में जो है लिया, तो उन्होंने एक जैसे पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना, तो इस तरह की शायरी जो है हुस्न आशिकी की, मोहब्बत की, इजहार की, खलूस की, वफा की बात कही जाने लगी। लेकिन जब वली दक्कनी, यानी वली एक बहुत अहम नाम है जो है, और ये दक्कन के थे, लेकिन जब इनका दीवान पहले यहाँ पर आया, दिल्ली आया, वो बाद में आए, दीवान जब इनका आया तो लोग उससे काफ़ी मुतासिर हुए जो है, और कहा कि चूंकि इसके पहले यहाँ फारसी में लोग अपने ख्यालात का इजहार करते थे, तो दीवान आने के बाद लोगों ने वली के कलाम को जब देखा तो लोग उसकी तरह मायली, उसकी बहुत तारीफ़ की, और उसको उसी तरह लोगों ने उसी के रंग में कहने की कोशिश की जो है। तो वली तो मैंने भी आशिकाना अशार कहे हैं, तहजीद महबूब की तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं तुजलब की सिफत लाले बदख्शां सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा। तो बदख्शां एक मशहूर जगह है और वहाँ का लाल एक किस्म का पत्थर होता है, सुर्ख होता है, बहुत मशहूर होता है, तो अपने महबूब की तारीफ़, होठों की तारीफ़ जो है उससे तशबीह दी है, यानी सिमली जो है, मिटाफर हम जिसको कहते हैं सिमली, तो उन्होंने उसके वहाँ तारीफ़ की है जो है। तो कहते हैं ला तुजलब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूँगा, यानी वहाँ का जो लाल है बदख्शां का, मैं उससे ये बात कहूँगा तुम खूबसूरती तो हो, लेकिन जो खूबसूरती मेरे महबूब के होठों में वो तुझ में कहाँ आ सकती है जो है, कहने का मतलब ये है। इसी तरह वो कहते हैं जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा, अक्सर चौराने जो है महबूब की आँखों को हिरण की आँखों से तशबीह दी है, उसके पूरे रफ्तार को हिरण की रफ्तार से तशबीह दी है, तो इस तरह से वहाँ ये अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन वली दक्कनी के यहाँ
कई ये रंग हैं। जैसे एक है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, यानी अगर इंसान जो गरीब है, गुर्बत है, पैसे नहीं है, तंगदस्ती है, तो जाहिर सी बात है कि माशरे में उसका काम नहीं चल पाता, और कहीं भी जाता है तो उसकी बेवकत होती है, उसकी उसका एहतराम नहीं होता, इज्जत नहीं की जाती, यानी उसका एतबार जो है ख़त्म हो जाता है। तो वही कहते हैं मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इसी तरह सिराज औरंगाबादी उसके बाद के बहुत अहम शहर हैं, उनके यहाँ भी तो उनके यहाँ भी यह है, लेकिन थोड़ा फ़लसफियाना अंदाज़ उनके यहाँ दाखिल हो जाता है। खबर तहयुर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इस तरह से अगर हम बदलते हुए रंग को देखते जाएँ तो अब मैं जैसे ख्वाजा मीर दर्द को देखिए जो है, इनके यहाँ तसव्वुफ़ के बहुत असरात हैं। तसव्वुफ़ यानी तर दामनी पे शेख, बड़ा मशहूर शेर है कि तर दामनी पे शेख हमारी न दाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। तर दामनी कहते हैं आमतौर पे गुनाह को, तो फरिश्तों को जो चैलेंज करते हुए कहते हैं, जो तुम अपने आप को बहुत पारसा समझते हो और हमें जो है गुनहगार समझते हो, ऐसा नहीं है, हमारी तरजामनी को मत देखिए, हमारे अंदर भी वो सिफत है, वो मुझे अगर हम अपने दामन को निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू कर सकते हैं। तर दामनी तो कहते हैं गुनाह को, लेकिन दामन का तो रोना और उसको निचोड़ने से एक जो यहाँ दोनों में एक ताल्लुक़ पैदा किया जो है। इसी तरह मीर तकी मीर के यहाँ भी ये रंग में इतना देख लेते हैं, उनके यहाँ तो चूँकि गम की फरावानी है, दिल्ली के हालात अच्छे नहीं थे, दिल्ली उजड़ रही थी, अहमद शाह अब्दाली के हमले और नादिर शाह के पैदर पे हमले, इस तरह से देखा तो बहुत सारे शोरा जो है दिल्ली को छोड़ के लखनऊ की तरफ चले गए। लेकिन तो दिल्ली के यहाँ तरह से यासियत है, मायूसी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके यहाँ बहार का भी रंग है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, न जाने गुल ही न जाने बाग तो सहरा जाने है। या जब वो लखनऊ पहुँचे तो उनके बारे में लोगों ने उन पर फप्ती कसी, भई आप कहाँ से आए, कुछ तो वहाँ जब मुशायरे में वो शरीक हुई है तो उनसे पूछा गया, भई जब मुशायरे में शरीक हुई है, वो खड़े शेर पढ़ने के लिए खड़े हुई है, तो वहाँ के जो शोरा थे नहीं पहचान सके कहाँ से आए क्या है, तो लोगों ने उन पर कुछ थोड़ा फप्ती कसी, तंज किया कि भई आप कुछ तो अपना तारुफ तो कराइए। तो उन्होंने फिलबदी वहाँ पर जो है 6 लाइनें कहीं, फिलबदी कहते हैं स्टम्पोर को फ़ौरन जो है, तो उन्होंने कहा कि क्या बोदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हसस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब भी जहां रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो आप ये देखिए कि इसमें गज़ल में इतना इतनी तासीर है, और जो शायर के अंदर इस सलाहियत है तो फिल्मदी कहने की, उसने फौरन जो है पूरे मजमे को खामोश कर दिया, और न सिर्फ खामोश कर दिया बल्कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ और हमदर्दी भी हासिल हो गई, जब उन्होंने ये कहा कि हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। तो दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई थी उस ज़माने में, कई बार बर्बाद हुई, ऐसी बात नहीं। तो ये जैसे जैसे शायर आते गए हैं, अब इसमें ज़्यादा जाहिर सी बात है कि हमें वक्त की पाबंदी भी है, अब एक ही मौजू पर देखिए अलग अलग शायरों के क्या ख्याल होते हैं। जैसे ताजमहल पे बहुत सारे लोगों ने अशार के, सिर्फ हम 2 शेर यहाँ पर आपको सुनाएंगे कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, यानी एक उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन एक उसी ताजमहल को देखकर उसके दूसरी कैफियत दूसरे शहर में क्या पैदा होती है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपनी महबूबा के लिए, अपने चाहने वाले के लिए ताजमहल नहीं तामीर कर सकता। एक तो ये तसव्वुर है कि हमारा वाकई मजाक उड़ाया गया है, लेकिन एक उसको अच्छी नज़र से देखता है कि ये उस मोहब्बत की निशानी है, पूरी दुनिया में आज साथ में अजूबे में शामिल है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं, इसी तरह अगर आप देखिए जो है गम का पहलू इंसान की ज़िंदगी में बहुत हावी रहता है। अगर आपके अंदर खुशी है तो खुशी थोड़ी देर के लिए आती हुई फिर उसका एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में कोई गम से वास्ता पड़ा, गम से दो चार हुई है, तो उसके असरात जो देरपा होते हैं वो आसानी से आप उसको भुला नहीं पाते। तो किसी शायर ने कहा है, अख्तर अंसारी ने कहा है कि याद माजी अजाब है अरम, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, यानी जो पिछले हमारे जो कुछ है, हमारी तकलीफ़ जो है, हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरी है, अजाब में गुजरी है, मुसीबतों में गुजरी है, अब उसको याद कर करके हम जाहिर सी बात है परेशान हो रहे हैं, ये हाफिज़ा कैसी क्या ख़राब चीज़ है, हालांकि हाफिज़ा अच्छी चीज़ है कि याददाश्त था। तो याददाश्त एक अच्छी चीज़ है कि हमें चीज़ें याद रहनी चाहिए, लेकिन शायर यहाँ ये कहता है खुदा से कि छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। और इसी तरह अगर हम उनको देखें जो है फैज़ अहमद फैज़ को देखें, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नवाग, और या उन्हीं में फैज़ अहमद फैज़ का ही शेर है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया,
तो उससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तो गम का पहलू जिंदगी में बहुत हावी है। या एक बहुत अच्छा शेर फैज़ अहमद फैज़ का जी कि कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज आशिकों तुम पे याद बेहिसाब आए। तो वो ये नहीं कहता अपने महबूब से, अपने चाहने वाले से, कि मुझे जितनी तकलीफ तुम पहुंची है वो सब तुम्हारी दी हुई है, लेकिन बड़ा खूबसूरत अंदाज अख्तियार किया है कि आज मुझे फुर्सत मिली है कि मैं अपने दुनिया के गमों का हिसाब कर लेता, और जैसे जैसे मैं हिसाब करता गया तुम्हारी याद आती गई। कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और उसी उसी गज़ल का एक और शेर है, न गई तेरे गम की सरदारी दिल में यूं तो रोज़ इनकलाब आए, न गई तेरे गम की सरदारी। तो सरदार क्या होता है आमतौर में माशरे में या किसी ख़ानदान में, किसी जो है तो वो सबसे ऊपर होता है, जिसे बुलंद हेड होता ऑफ है, कहते यानी उसकी निगरानी होती है। तो शायर ने क्या अपने गम को जो कहा है वो सरदारी का, यानी तुम्हारी जो हुकूमत करने की जो है वो कुव्वत है या तो फितरत है वो ख़त्म नहीं हुई है, आज भी तुम्हारा गम ही मेरे ऊपर वो हावी है। अगरचे मेरे दिल पे रोज़ इनकलाब एक नए नए हालात से वास्ता पड़ता रहा, मैं उसको झेलता रहा, लेकिन तेरे गम की सरदारी वो सबसे ऊपर रही, उसको मैं भुला नहीं सकता। या इसी गम को और ले, बहुत से अशआर हैं, जिगर मुरादाबादी का बहुत अच्छा शेर है, बेचैनियाँ समेट कर सारे जहान की जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया है। अब वो ये नहीं कहता है मुझे ये तकलीफ़ पहुँची, ये तकलीफ़ पहुँची, वो तकलीफ़ पहुँची, बल्कि खुदा से वो मुखातिब है कि बेचैनियाँ समेट कर सारे जहान की जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इस तरह से आप देखिए बहुत से, अच्छा बहुत सा इसी तौर पे आप आतिश का देखिए, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुलें बेताब गुफ्तगू करते। और वो अपने महबूब का मुकाबला फूल से कर रहा है, बुलबुल को या क्या होगा, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, यानी बुलबुल जो है वो फूल का आशिक है और हम अपने महबूब को चाहने वाले हैं। तो वो बुलबुल को जो है अपना बहुत नाज है अपने गुल पे, तो हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी ये आरजू है, तमन्ना है कि हम जो है अपने फूल के सामने अपने महबूब को करके, और फिर हम बुलबुल से बात करते गुफ्तगू करते कि देखो फूल खूबसूरत है कि ये मेरा महबूब, इस तरह से जो। तो जैसे जैसे आप इसको लोगों ने इसका आगे बढ़ते जाएंगे, वे बहुत यानी दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो शायरों ने ना लिया हो, सभी ने तकरीबन जो है मुख्तलिफ मौजूदात को समेटने की कोशिश की है। और इसमें जैसे वफा का जिक्र अगर किया जाए तो मजरूह सुल्तानपुरी का बहुत मशहूर शेर है, मजरूह लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। या इसी तरह एक और शेर है कि वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे सलूक ने चौंका दिया ज़माने को। तो ज़िंदगी कोई ऐसा पहलू नहीं है। और सियासी पर देखें, सियासी हालात पे, तो इससे बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया इस वक्त, कुछ इस तरह से बदहवास हुई है आंधियों में लोग, कुछ इस तरह से बदहवास हुई है आंधियों में लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। तो बात कहने का अंदाज़ भी है, तंज का भी अंदाज़ है, और बहुत सारे अंदाज यहाँ पे आपको देखने, बहुत सारे अशआर हैं लेकिन सबको यहाँ पे पेश नहीं किया जा सकता। जो है हसरत मुहानी की एक बहुत गज़ल, जब अपने मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही तो 20वीं सदी तक आते आते जो है गज़ल में एक ऐसा, 1936 में एक ऐसा दौर आया जब गज़ल की तरफ लोगों की तवज्जो कम होती गई, बल्कि उसके पहले भी 1874 में एक जो तहरीक शुरू हुई कि अब जो है मुशायरे जो हो रहे थे उसमें जो है मुशायरे मौजूदात मिसरे तरह ना देकर बल्कि नज़मों के देकर उस पर जो है शायरों से जो है नज़में लिखवाई जाएँ। तो ये भी सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाद में 20वीं सदी में फिर गज़ल का हैजा शुरू हुआ, यानी गज़ल को दोबारा ज़िंदा किया गया। तो उसमें चार नाम बहुत अहम आते हैं, हसरत मुहानी, मौलाना हसरत मुहानी, जो एक जो है मुजाहिद आज़ादी पे थे, बहुत बड़े मुजाहिद आज़ादी थे, मौलाना हसरत मुहानी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंगी और जिगर मुरादाबादी, इन चार लोगों ने गज़ल को एक कि जिसमें एक नई रूह हो कि नई जान बख्शे जो है। तो हसरत मुहानी का शेर है कि क्या रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। तो उनके यहाँ ज़्यादातर जो है इसको आशिकी की ही बात की है, अपने महबूब के से ही ज़्यादा, लेकिन उनके यहाँ एक जो पाकिजगी है, सफाई है, वो ये भी आदाब मोहब्बत न गवारा ना गया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई ना गई। तो महबूब को बहुत रुतबा दे रहे हैं, उनके यहाँ कोई इस तरह की नहीं है कि मतलब कि महबूब से छेड़छाड़ करें या उसका मजाक उड़ाएं, बल्कि एक अदब का पहलू जो है, लिहाज का पहलू जो है, कद्र का पहलू उनके यहाँ बहुत हावी जो है। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे हम गुजरते जाते हैं हमारे यहाँ गज़ल के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मौजूदात देखने को मिलते हैं जो इस तरह से काफ़ी जो है।
जी प्रोफेसर मोजम्मदीन, आपने बहुत सारे गज़ल का एग्जाम्पल देखे कि किस तरह से अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग मौजू पे गज़ल लिखे गए हैं, उनका एग्जाम्पल आपने हमारे व्यूवर्स को बताया। लेकिन अगर हम फ़न की बात करें कि गज़ल के फ़न, तो ये क्या है? देखिए, हर एक चीज़ का फ़न होता है। गज़ल का भी अपना एक फ़न है, इसका अपना एक मिजाज होता है। और गज़ल की फ़न की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है। इकाई का मतलब ये होता है कि इसके मफहूम को समझने के लिए दूसरे शेर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी अपने आप में यह मुकम्मल होता है। लेकिन कभी कभी कुछ अशआर ऐसे होते हैं कि एक शेर को समझने के लिए दूसरे शेर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कताबंद कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, गज़ल का शेर हर जवाब एक अपने तौर पे एक मुकम्मल अफसाना होता है, यानी कम से कम लफ्ज़ों में हम ज़्यादा ज़्यादा बात कह देते हैं। तो ये एक उस पर कि ये ख़ास खूबी जो है, ये गज़ल का फ़न है। इसी तरह जो है, अगर इसमें हम देखें तो एक मज़मून मुसलसल मज़मून नहीं होता। हम दो मिसरों में अपने ख्यालात को आसानी से कलम बंद कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा काफ़िया पैमाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, रदीब की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यह नहीं कि हमें जैसे कसीदा में या मसनवी में मरसी में बात करनी होती है। गज़ल का फ़न उससे बिल्कुल अलग है। आपको अपनी बात दो मिसरों में कम से कम लफ्ज़ों में अदा कर देनी पड़ती है, यह एक उसका फ़न है। यहाँ वाक़ियात का बयान नहीं होता जो है, बल्कि एक जज्बात का बयान ज़्यादा होता है, एहसास का बयान होता है। यानी हमारे दिल पे, हमारे कल्ब पे जो वारदात गुजरती है, हम उसको किस तरह दूसरों को उसमें शामिल कर लें, यह बड़ी बात होती है। सिर्फ वाक्य को बयान कर देना वो काफ़ी नहीं है। ये तो नावेल अफसाने में भी हो सकता है, जो है मसनवी में भी हो रहा है। लेकिन गज़ल को गज़ल बनाने में, यानी शेरियत पैदा करना जिसको कहते हैं, जब तक आपकी दाखिली कैफियत, यानी इनर जो आपके जो है फीलिंग्स जो है उसमें गज़ल में शामिल नहीं है, तो वो गज़ल जो है बहुत ज़्यादा जो है कारामद नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा लोग उसको सराह नहीं सकते। जो है कैफियत की ज़रूरत है गज़ल कैफियत लिखने बिल्कुल में। है, बगैर कैफियत के गज़ल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जो कही जा सकती जो है। तो जैसे किसी महफिल में गज़ल किसी ने छेड़ दी, तो उसने किसी ने कहा, भाई गज़ल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। यानी अब हमारी उम्र ऐसी नहीं रही कि हम गज़ल से बहुत ज़्यादा महजूज, लेकिन उसने हमारे दिल पे यह कैफियत पैदा कर दी कि बग़ैर गज़ल के साथ साथ जो है साज़ की भी ज़रूरत होती है। जब तक आवाज़ और मौसीकी इतना नगमगीन ना हो, गज़ल का नहीं हो सकता है। इसी तरह जो है, गज़ल का एक फ़न यह है कि इसमें अब चूँकि हमें अपनी बात मुख्तसर कहनी होती है, तो हम मिसालों के ज़रिए अपने बात को दलीलों के ज़रिए कहते हैं। दलील के लिए हम क्या करते हैं, तशबीह लाते हैं, इस्तियारा लाते हैं, और इसमें जो है मेटाफर भी है, जैसे जिसको हम सिमली कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। इसी तरह जो है, इसमें जो है हसासियत बहुत होनी चाहिए। जो है किसी मौजू पे हसास कहने, जैसे एक शेर है कि वो कह गए थे कि आएंगे हम चिराग जले, तमाम रात चिरागों से अपने दाग जले। हम वो तो महबूब का महबूब ने तो वादा किया था। अब महबूब ने जो वादा किया उसके इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं, महबूब की अपनी कोई मजबूरी हो गई, लेकिन तमाम रात चिराग तो जल रहा है, उसके इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं, लेकिन उसी चिराग से हमारे अपने दाग जले जितने दिल के। जिस तरह से जो है, यह वक्त पेरी शबाब की बातें या ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें, मौत ने कर दिया नाचार वगरना इंसान, है वो खुद भी कि खुदा का भी ना कायल होता। तो इस तरह से इसमें जो है, इन जज्बात को, एहसास को किस तरह समझा जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और आप ये देखिए, जज्बात में सबसे पुरअसर जज्बा इश्क का होता है। इंसान को एक दूसरे के चाहने का जज्बा होता है, मोहब्बत का होता है, खुलूस का होता है। तो लिहाजा ये जज्बा जो है इस पर हावी होता है, जो गज़ल में जो है ज़्यादा देखने को मिलते जो है। एक ज़माना वो भी था कि गज़ल में ईहाम गोई को बड़ा रिवाज मिला। ईहाम गोई का मतलब कि एक बात कहें, कुछ कही जाए, मतलब कुछ और निकले। यानी एक ही लफ्ज़ के दो माने, एक करीब का होता था, एक दूर का होता था। तो दूर का माने तो बाद में निकलता था, लेकिन करीब का लोग पहले समझ लेते थे, जबकि शायर की मुराद ये होती थी कि जो दूर के माने हैं वो कहने। जैसे किसी का शेर है, शायद मज़हर जाने जाना का है, ये ईहाम गोई के बहुत बादशाह थे समझिए। तो उनका शेर है कि क्यों मुटाता है जुल्फ को प्यारे, क्यों मुटाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। मूरख का मतलब क्या है, बेवकूफ। बेवकूफ़। लेकिन यहाँ की बेवकूफ़ नहीं लिया गया है, मुँह का मतलब होता है बाल। अपनी जुल्फों को, यानी बाल को क्यों मुटा रहे हो, तुम्हें लोग यही कहेंगे, भाई बाल को रख लीजिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन मुँह रख
दो या एक साथ मिला दिया तो उसको मोरा को एक बेवकूफ कह लफ्ज को दिया, उन्होंने लिया लेकिन दो अलग दो अलग मानी अलग इससे माने निकल में, रहे हैं। एक लफ्ज एक माने करीब का होता है, एक दूर जी का होता है, जी तो आमतौर पर लोग करीब के माने से उसका मफहूम मतलब निकालना चाहते हैं, लेकिन जब शायर की जबकि शायर की मुराद होती है कि दूर का उससे लिया जाए जो है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एपिसोड में आने के लिए। आगे और गुफ्तगू करने की ख्वाहिश हो रही है लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है कि हम और भी इस पे डिस्कशन कर सकें, उम्मीद है कि आज जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे उनको उर्दू गज़ल के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा कि क्या होता है, किस तरह से गज़ल लिखी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।